यूपी में पहली बार बसपा उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख मायावती ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए हम दमदारी के साथ लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। रविवार को बसपा प्रमुख ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पिछली मीटिंग के दिए गए टास्क की रिपोर्ट ली। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया जाए, इसके बारे में जानकारी ली। उपचुनाव के लिए फीडबैक भी लिया। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद नहीं शामिल हुए क्योंकि वो इस वक्त हरियाणा में। मीटिंग में मायावती ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।